हेलो स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक एज इंटरनल ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन बट फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आपने छोटी क्लासेस में पार्ट्स ऑफ आवर योर बॉडी के बारे में पढ़ा होगा कैन यू नेम योर बॉडी पार्ट्स यस आईज़ ईयर माउथ नेक शोल्डर आर्म थाई लेग स्टमक ऑल दीज आर बॉडी पार्ट्स के बट आपने इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे ओके सबसे फर्स्टली जो आप पढ़ेंगे वो है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डैट यू कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ईच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डज अ स्पेशल जॉब कॉल इट्स फंक्शन आपका बॉडी के वो ऑर्गन्स जो आप देख सकते हैं वो हमारे और एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं एंड ईच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डज ए स्पेशल जॉब हर ऑर्गन का अपना एक स्पेशल जॉब होता है जिसे हम फंक्शन बोलते हैं एंड देर आवर यू नो वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स आपने फर्स्ट क्लास में रीड आउट किया होगा आई नोज स्किन टंग एंड ईयर फर्स्टली आपका है ईयर द टू हेल्प अस टू सी आइज हमें किस लिए काम आती हैं देखने के एंड वी मूव आवर आई लिट्स टू ओपन एंड क्लोज योर आईज आप अपनी आई लिट आँखें बंद करने और खोलने के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट द टू ईयर हेल्प अस टू हेयर डिफरेंट साउंड्स अलग अलग आवाज़ें सुनने के काम आते हैं ईयर नेक्स्ट नोज द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ तो आपने देखा कि नोज़ स्मेल करने के एज वेल एज ब्रीथ सांस लेने के भी काम आते हैं टंग द टंग हेल्प टंग हेल्प अस टू टेस्ट आप विदाउट टंग आप टेस्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज़ का टेस्ट कैसा है एंड देर आर फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट जो हमारे टंग्स में पाए जाते हैं दे आर स्वीट सॉर बेटर एंड सॉल्टी नेक्स्ट वन इज स्किन स्किन कवर आवर इंटायर बॉडी आपकी पूरी बॉडी किससे कवर है स्किन से इट हेल्प अस टू फील हार्ड सॉफ्ट स्मूथ एंड रफ थिंग्स एज वेल एज हॉट एंड कोल्ड आपको अपनी स्किन से टच करके ही पता चलता है कोई चीज़ सख्त है या सॉफ्ट है या हॉट है या कोल्ड है नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल ऑर्गन तो ये इंटरनल ऑर्नमेंट कौन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं एंड वी कॉन्ट सी दैम हम इनको देख नहीं सकते एंड दे आर लाइक ब्रेन हार्ट एंड स्टमक ब्रेन द ब्रेन इज प्रेजेंट इन साइड आवर बॉडी इन साइड आवर बॉडी और हेड इट कंट्रोल्स ऑल आवर बॉडी फंक्शन ये हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है इट हेल्प अस टू थिंक लर्न एंड रिमेंबर ये आपको याद करने सोचने के काम आता है नेक्स्ट हार्ट द हार्ट लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट ये हमारे चेस्ट की लेफ्ट साइड में पाया जाता है एंड इट पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ये हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को पम्प करने का काम करता है नेक्स्ट लंग्स आवर लंग्स आर लोकेटेड इन साइड द चेस्ट दे आर लाइक टू स्मॉल बैलून्स एंड दे हेल्प अस टू ब्रीथ आपको पता है ये सांस लेने के काम आता है स्टमक द स्टमक इज़ लोकेटेड इन बॉडी जस्ट अवर वेयर यू वेयर योर बेल्ट इट डाइजेस्टिव फूड डेट वी ईट एवरी डे ये हमारे रोज़ के खाने को पचाने में हेल्पफुल होता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि ये हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी लेता है और जो वेस्ट होता है उसे निकाल देता है तो आपने देखा इंटरनल ऑर्गन और, और एक्सटर्नल ऑर्गन किसे कहते हैं आपको पता चला कि इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या फ़र्क होता है और हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे बॉडी पार्ट्स में कितनी तरह के सिस्टम्स होते हैं और कितनी तरह के वर्क किए जाते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे